नमस्कार, ये एक विदेशी महिला का फॉर्म है। इनके हस्बैंड इंडियन हैं, उन्होंने इनका हाथ भेजा हुआ है रीडिंग के लिए। इनको पामेस्ट्री की विद्या पे या यकीन नहीं है, या फिर बोलो कि ये उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा फॉर्म भी है, क्योंकि पामेस्ट्री की विद्या पर उनको एक यकीन होगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये, इसमें मेरी खुशी बहुत होगी कि एक विदेशी व्यक्ति भी हमारी इंडियन कल्चर को समझ सकेगा। ठीक है, चलिए। इनका कोई प्रश्न है, इन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हुए हैं, उन प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इनके हाथ का एनालिसिस चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने प्रश्न कहा है बच्चे को लेकर। ठीक है, बच्चे के योग है या नहीं, और हैं तो कब हैं। अब ये कब हैं वाला जो प्रश्न आपने कहा है ना, ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि आज के समय में बच्चों की लोग प्लानिंग के हिसाब से बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये कह पाना बड़ा कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। एक आध इंडिकेशन आपके हाथ में मुझे दिखे हैं, मैं वो एज पे बताने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, मैरिड लाइफ, हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आपको बच्चे होंगे, इसकी गारंटी है, यहाँ पे अच्छे योग हैं आपके हाथ में। हाँ, मैरिड लाइफ के बारे में इन्होंने जानना चाहा कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और इनके लाइफ में, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। बहुत कम लोग ऐसा ये क्वेश्चन करते हैं, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा आपका उसके बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा करियर पाथ इनको सूट करेगा, और एग्जिस्टिंग अभी ये मीडिया के फील्ड में पत्रकारिता से संबंधित कोई काम ये करते हैं विदेश में, और कोई सावधानियाँ जो मुझे अजमानी चाहिए तो वो सावधानियों को मैं कोशिश करूँगा। वो सावधानियाँ यानी कि आपकी वीकनेस के जो पॉइंट आपने पूछा है ना, वो उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न हो गया। अदर फिर पूछा है आपने की मोमेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपका जो जिस उम्र में प्रोग्रेस के चांसेस होंगे, कुछ अच्छे योग होंगे, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद में एनीथिंग इल्स, वो इसके बाद में अगर आपने कुछ भी मुझसे जो जानना चाहे वो तो मैं बताता ही हूँ। ठीक है, आपके जो प्रश्न हैं, मेन प्रश्न मैंने आपको ले लिए हैं, चलिए आपका हाथ पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे आप, बुद्ध की उंगली प्रॉपर तरीके से फर्स्ट फैलेंस तक पहुँची हुई दिखाई दे रही है। जब इस टाइप से पहुँचे ना, तो ऐसा व्यक्ति ही पत्रकारिता के फील्ड में आपको जनरली देखने को मिलेगा। अब ये क्या बताता है, जब ये उंगली इस फैलेंस तक पहुँचती है, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक्पटुता, डिप्लोमेसी, वाणी से संबंधित जो भी कार्य कर जाएं, बहुत अच्छा करते हैं। अपने आप को एक प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट करने वाली स्थिति है, वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल ऐसे लोगों का अच्छा होता है। पैसे की स्थिति की बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं, लिक्विड मनी को भी हम यहाँ से देखते हैं। तो ये उंगली का लंबा होना और पर्वत का अच्छा सुदृढ़ होना, ये बताता है कि धन की स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी, कोई इसमें इशू नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए बाकी बात करते हैं सूर्य की उंगली की। देखिए, सूर्य की उंगली आपको शनि के साइड में टिल्टेड दिखाई दे रही है, और यहाँ पे गैप बन रहा है। ये जब गैप बनता है ना, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो है औरों से हटकर सोचता है, डिफरेंट वे में चीज़ों को सोचना, एक एक जो होती है ट्रेडिशनल सोच होता है, वो ट्रेडिशनल सोच पे इन लोग नहीं यकीन करते। इन लोग चीज़ों को अलग एंगल में देखते हैं, अलग एंगल में रख के सोचते हैं, ये अच्छी एबिलिटी होती है। अच्छा, ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं, दूसरे को बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, और इनका सजेशन लोगों को सुनना भी चाहिए। ये भले अपने जीवन में कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन ये ऐसे लोग बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, अच्छी स्थिति है। ठीक है, उसके बाद में जब ये सूर्य की उंगली शनि के साइड में जब झुकती है ना, तो ऐसे लोगों को मैनेजमेंट का गुण बताता है। ये धीर गंभीर तो होते ही होते हैं, ऐसे लोग थोड़े स्वभाव में आपको गंभीरता मैच्योरिटी मिलेगी, और साथ ही साथ में ये मैनेजमेंट का गुण भी बताता है। तो ऐसे लोग अच्छे मैनेज एक अच्छे मैनेजर भी होते हैं, अपने कार्य को लेके, अपने वर्क प्रोफाइल में जो भी है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी है, गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी है। ये अच्छा अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, जब कभी भी गुरु की उंगली लंबी हो और गुरु का पर्वत अच्छा हो, गुरु का पर्वत भी आपका बहुत अच्छे कंडीशन में उभार लेके चल रहा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बताता है, ये प्रॉपर तरीके से एक मजबूत गृहिणी को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
कि ऐसे लोग अपने घर को बहुत अच्छे से संजो कर संभाल कर रखना, संस्कार में पिरो कर रखना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, चीज़ों को एकदम व्यवस्थित करके रखना, और खाना बहुत बढ़िया मीठा इन लोग बनाते हैं। मीठा मतलब टेस्टफुल खाना इनके हाथ से बनता है। खाना बनाना पकवान वगैरह चीज़ें ना, इनमें बहुत अच्छे इन लोग देखे जाते हैं, इनके हाथ में टेस्ट होता है, ये कह सकते हो आप। यह तो पॉजिटिव साइड हो गया। इसका नेगेटिव साइड क्या हो सकता है? देखिए, आपने सावधानी से के बारे में मुझे कहा है, तो गुरु की उंगली का लंबा होना, ये ऐसे लोग बहुत खुददार होते हैं, इनके अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट कर भरा होता है। ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे टूट के बिखर जाए लेकिन ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो ये अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। स्वाभिमान और अभिमान में बहुत बारीक सा अंतर होता है। अब यही चीज़ से आपको बचना है, आपके अंदर में अभिमान नहीं आने देना है, क्योंकि ये ज्ञानी होने को बताता है। गुरु की उंगली ज्ञान को भी बताती है, तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अभिमान मत आने देना, नहीं तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। ऐसे लोग थोड़े से घमंडी भी देखे जाते हैं, तो उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, उस पर कंट्रोल करें। घमंड किसी के लिए अच्छा नहीं। बाकी हाँ, अभिमान को स्वाभिमान में बदल कर रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं। अंगूठे पे आपने बहुत सारे पिक भेजे हाथ के, एक कॉमन था यहाँ पे आपका अंगूठा, ऐसे कंडीशन है जो अंतर्मुखी दिख रहा है, मतलब कि अंदर की ओर झुकता हुआ दिख रहा है, जो बेंड है बहिर्मुखी ना होके अंदर की तरफ। ये क्या बताता है? जब अंगूठा अंदर की ओर झुकने लगे ना, तो ये बताता है ऐसे लोग डरते हैं रिस्क लेने से, ऐसे लोग डरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम होता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। ज्ञान बराबर है आपके अंदर में, जो मैं देख पा रहा हूँ, जानकारी आपको पूरी है, लेकिन जहाँ पे आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप अगर न डरें तो बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे और अपने ज्ञान से जो प्रेजेंट करेंगे वो लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, लेकिन आप अपने ही आप को रोक जाते हो, अपने ही अंदर में आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हो। आपको 90% चीज़ें पता होती है, 10% पता नहीं है, तो आप वो 10% के बारे में सोचने लगते हो, ये नहीं सोचते कि मुझे 90% तो पता है, ये प्रॉब्लम होता है आपका। तो ऐसे लोग जो है ना, थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने की क्वालिटी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ से बचिए। आपकी वीकनेस है, ये जो आप पूछे हैं, एक वीकनेस यहाँ भी आपका दिख रहा है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग से बचिए, ठीक है। आप जितना जानते हैं उतना को ही बहुत अच्छे वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए। तो नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में सोचकर आप ओवर थिंकिंग के कारण से अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमी होती है, इस चीज़ को आपको समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो ये फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो करके रखेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अंगूठे की वीडियो में बहुत बार कहा है इस चीज़ को, ये देखिए इनका सेकंड फैलेंज देखिए कितना लंबा है फर्स्ट फैलेंज के कंपैरिजन में। बुद्धि की उंगली बराबर फर्स्ट फैलेंज में, और ये मैंने बार बार कहा है कि ऐसे लोग पत्रकारिता वगैरह के फील्ड में या फिर क्वालिटी कंट्रोल वाले फील्ड में कोई भी ऐसा काम जहां आलोचना करना है, तर्क करना है, उस काम में अगर ये जॉब करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये लंबा होने के कारण से ये आपका विल पावर है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है आपका एनालिटिक्स है, ठीक है, आपकी तार्किक क्षमता है। तो अगर ये नीचे वाली लंबी हो तो ऐसे लोग बहुत तर्क करते हैं, बहुत मीन मैक निकालते हैं, अच्छा बुरा सब चीज़ खोजना, डेटा एनालिसिस करना, इनको बहुत मज़ा आता है। अब इसी फील्ड में अगर ये चले जाएँ तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपने एक प्रश्न कहा है कि कौन सा फील्ड में सूटेबल होगा, तो आप सूटेबल फील्ड में जॉब कर रहे हो, आप चेंज करने का मत सोचो। मैं समझ सकता हूँ आपको अभी वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपको मैसूरी पे जब आऊँगा तो मैं बताऊँगा उस चीज़ को, ठीक है। आपको अभी बने रहने की ज़रूरत है, इस फील्ड से आपको अच्छा नाम पहचान धन दौलत मिलेगा, आपके लिए सूटेबल फील्ड है, ठीक है। आप चेंज करने का मत सोचिए, पहला चीज़। अब मैं ये क्यों ऐसा बोला उसको, मैं सूर्य पे आऊँगा, मैं बात करूँगा डिटेल से, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, इनके पर्वतों पे आते हैं। शुक्र का एरिया देखिए आप, पहले जीवन रेखा देखिए, क्या मस्त गोलाई लेके चली, बहुत बड़ा एरिया इसने घेरा। इसका मतलब ससुराल पैसे वाला, पति का प्यार भरपूर मिलेगा, पति बहुत प्रेमी मिलेगा, आपको बहुत प्यार करने वाला मिलेगा। उसके बाद में आपको जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे, भूमि भवन वाहन सारा सुख लग्जरी आपको जीवन में रहेगा। जीवन में अच्छा खासा धन संचय कर पाएंगे आप।
ये सारी स्थिति आपको शुक्र बताती है। अच्छा पहनना, अच्छा तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करना, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना, दूसरों से अलग हट के दिखने की ललक देखना, आपको बार बार ये आप एज्यूम करते हैं या सोचते रहते हैं कि लोगों का अटेंशन गेन करना आपकी बहुत बड़ी हॉबी होती है ऐसे लोगों का, और ऐसे लोग लेते भी हैं, ऐसे लोग लोगों का अटेंशन मिल जाता है, ये दिखने में भी सुंदर होते हैं जब ये कंडीशन होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको बात करते हैं। देखिए मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, आप यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ये मंगल का क्षेत्र दबा है और शुक्र का क्षेत्र उभरा है, तो क्या होगा अगर हम कामुकता से रिलेटेड बात करें, इसको आपके सेक्सुअल लाइफ पे अगर इस पर हम जाके देखें तो आपको इच्छाएं तो बहुत है लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है उस प्रकार का। कहने का मतलब एक स्त्री के पक्ष में अगर हम इस चीज़ को और डिटेल से समझें तो ये होता क्या है, आपको मासिक धर्म यानी आपको पीरियड से रिलेटेड, नॉर्मल पीरियड, पेनफुल पीरियड, समय पे ना होना या उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक बीमारी, दूसरा चीज़ हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, हार्मोनल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कत होना, ये उसको बताता है। तीसरा चीज़ गर्भाशय, यूट्रस, ये जो चीज़ें हैं, या फिर गर्भपात होना, मिसकैरेज वगैरह की चीज़ें, इसको भी बताता है। और चौथा चीज़ ये भी जो बारीक बारीक कट करके रेखाएं बन रही है ना इधर आड़ी आड़ी, ये बताता है कि ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। मांगलिक होने का मतलब क्या है, आपका जो विवाह है या आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें एक मधुरता नहीं रहेगी, एक खटस पटस बना रहेगा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, एग्रेशन आपके स्वभाव में बढ़ेगा, आप थोड़े से चिड़चिड़े, थोड़े गुस्सैल हो सकते हो, तुनक मिजाज हो सकते हो, ये इसको भी बताता है। तो अगर देखिए आपको अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको इंटरनल पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गर्भाशय से लेके यूट्रस से लेके कोई, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको आप डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए क्योंकि ये बड़ा आपको तकलीफ भी दे सकता है, ठीक है, तो इसको सावधानी रखें। ब्लड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम अगर है तो उससे भी सावधानी रहें, ये मंगल ब्लड को भी बताता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को, ठीक है। बाकी चंद्रमा पे बात करूँ तो चंद्रमा बहुत बढ़िया है, चंद्रमा का क्षेत्र बढ़िया है, उभार लेके चंद्रमा चल रहा है और कुछ बारीक लकीरें हैं सपोर्टिव लाइन यहाँ पे जो बता रही हैं कि जीवन में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपने जब भी कोई ना कोई तकलीफ के समय में जहाँ गाड़ी रुकती है तो कोई ना कोई मसीहा आके आपको निकाल के चला जाएगा, ये स्थिति बनती है, तो अच्छा है, लोगों का मदद मिलेगा आपको जीवन में। ऐसे लोगों को बागवानी, नेचुरल चीज़ों से लगाओ, समुद्र, झरना, ये जो चीज़ें पहाड़ है ना, नेचुरल चीज़ों से लगाओ, अच्छा होता है। इनका अपने माता के प्रति विशेष स्नेह होता है, माता के साथ में बहुत ज़्यादा लगाव होता है ऐसे लोगों का, और माता इनके लिए सूटेबल भी होती है, सूटेबल सबके लिए होती है, कहने का मतलब इनको माता से थोड़ा फेवर ज़्यादा मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। संगीत, म्यूजिक, ये सब का शौक ऐसे लोगों को होता है जब चंद्रमा अच्छा हो। अब देखिए मंगल पे मैं बात कर रहा था, अंदरूनी का तो मैंने बताया, अंदरूनी मंगल क्या बताता है, आपका शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक संरचना, शारीरिक मजबूती, इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ों को बताता है, तो उसमें थोड़ा कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वगैरह की प्रॉब्लम, सर्दी बुखार का प्रॉब्लम या फ्रीक्वेंसी ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसी सर्दी बुखार की जब मैं बात कर दिया हूँ तो एक और बात बताता हूँ आपको, देखिए इसमें जब हार्ट लाइन इस टाइप से चले एकदम गुच्छम गुच्छा और मंगल ऐसा दबे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, ऐसे लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कफ या एलर्जेटिक अस्थमा या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा जैसे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, कफ के कारण से सांस का प्रॉब्लम, जैसे अब अस्थमा क्यों होता है, कफ के कारण से होता है ना, उसी टाइप का कोई प्रॉब्लम जहाँ पे कफ आपका मेन कारक बने, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है ऐसे लोगों को, तो इससे बचना चाहिए, ठंडे चीज़ों से बचना चाहिए आपको, अगर आपको ये सब तकलीफें हैं तो इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी बाहरी मंगल, आपका बाहरी मंगल पर्वत तो अच्छा है लेकिन इस पर भी बारीक लकीरें बहुत है और उसमें भी आड़ी लकीरें हैं, तो देखिए आपको शत्रु पीड़ा सताएगी पहला चीज़, दूसरा चीज़ आपको हमेशा डर सताएगा कि कोई ना कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स ना कर दे, कोई मुझे फंसा ना दे, ऐसा जो मन में आपके कोई पीठ पीछे मेरे बात कर रहा है, ये जो भ्रम है आपके ऊपर में हावी रहेगा, डिपार्टमेंटल अगर काम करते हैं वहाँ पे, और ये हावी होना भी चाहिए कि कुछ लकीरें आपको माइंड लाइन को भी टच होती दिख रही हैं, इसका मतलब आपको लीगल मैटर पर कभी ना कभी फंसना पड़ सकता है, तो थोड़ा अवेयर होके चलें और अपने वाणी पे संयम रखें, ठीक है। जब कभी क्योंकि एनालिटिक्स करते हैं आप, तारक करते हैं, निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं कोई भी चीज़ का,
तो थोड़ा बचने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि आपके शब्द किसी की सीमा पार कर दे और कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ बोल जाओ जो आपके सीमा के बाहर की बात हो गई, तो उसके कारण से कुछ आपको लीगल मैटर में पड़ना पड़ जाए। थोड़ा बचना है आपको, ठीक है? तोल मोल के बोलने की कोशिश करें इससे। चलिए बाकी और बात करते हैं। देखिए, मैं बुद्ध पे पर्वत पे बात कर रहा था, ये बढ़िया है, इनका बुद्ध का पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं, उभार बुद्ध का बढ़िया है, बुद्ध में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बुद्ध की स्थिति सही है, तो आपको जो फील्ड में आप हैं उस फील्ड से आपको सफलता मिलेगी। मैं बताता हूँ, आप सूर्य पे देखो, सूर्य में क्या हो रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे है आपके। आप देखो सूर्य का पर्वत, हम तो यहाँ डिटेल से देखें तो हम यहाँ पे एक लाइन कर दें, यहाँ अच्छा है यहाँ तक ख़राब है, यहाँ तक देखो आप पूरा एकदम जाल बन रहा है सूर्य पे। सूर्य की जो पतली पतली लकीरें हैं उसको आड़ी लकीरों ने जाके काट रखा है, ऐसे एक जाल सा बन रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा ऐसे समय में, आपका जीवन आधा जीवन आपको स्ट्रगल में बीतेगा, उसके बाद में जाकर सफलता मिलेगी, ये यहाँ से सूर्य का पर्वत से पता चल रहा है। तो ये मान के चल लो आप, आपके जीवन में 35 के बाद में जाके आपका जीवन अच्छे तरीके से बीतेगा, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाएंगे, आप अपने विवेक का संपूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे। कहने का मतलब, देखो इसमें एक इंडिकेशन और भी है, एक लाइन यहाँ भी बन रही है, वो भी आपके 35 के बाद में आपकी माइंड लाइन दोहरी होकर चल रही है, इसका मतलब आपका जो अर्निंग है वो बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा 35 के बाद से, ठीक है? तो स्थितियाँ अच्छी बन रही हैं 35 के बाद से। 35 तक आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चले, थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी, थोड़ा तनाव रहेगा, आपको स्ट्रेस फील होगा, आपको लगेगा कि मैं इतना डिजर्विंग कैंडिडेट होकर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, डिपार्टमेंट मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपके साथ में, क्योंकि सूर्य यहाँ पे, सूर्य आपका प्रशासन है, सूर्य आपका सरकार है ना, तो यानी कि आपके डिपार्टमेंट के बॉस है सूर्य, और यहाँ पे जब कट लगे ना तो सीनियर के साथ में प्रॉपर तालमेल ना होना, कलीग्स के द्वारा पॉलिटिक्स करना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, 2-3 साल का पीरियड है बस, ठीक है? बाकी गुरु के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, गुरु का पर्वत अच्छा है तो शिक्षा अच्छी होती है, धन का क्षेत्र अच्छा ही होगा, ज्ञानी होते हैं और मानव सेवा जन सेवा इन सारी चीज़ों में लगाव होता है, धार्मिक, तो अब विदेशी महिला हैं आप तो धार्मिकता के बारे में नहीं कह सकता, अगर आप करते होंगे किसी तो धार्मिकता, तो ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, अगर नहीं करते होंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, मानवतावादी दृष्टिकोण होंगी, जन सेवा का दृष्टिकोण होगा, जीव मात्र पर दया करना, कोई भी प्रकार का जीव पालन है सब में भी आपको मन जाता होगा, चैरिटी वगैरह चीज़ों में, ठीक है? मुख्य रेखाओं पे चर्चा कर देता हूँ। देखिए मुख्य रेखा पे जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी सभी डिस्कस किया, ये अच्छी रेखा नहीं है, हार्ट लाइन आपकी निकली तो बहुत सही जगह से है और पहुँची भी बहुत सही जगह पे है, प्रैक्टिकल वे पे आप काम करते हो, ना ज़्यादा इमोशनल होते हो ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, ठीक है? आप बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करके चलते की कोशिश करते हो, चल नहीं पाते क्योंकि रेखा टूटी हुई चल रही है ना, आपका ध्येय होता है कि मैं प्रैक्टिकल होके चलूं, लेकिन आप हमेशा प्रैक्टिकल होते होते आप इमोशनल चीज़ों पे हर्ट हो जाते हो और चीज़ें बिगाड़ लेते हो। अब होता क्या है देखो, इसको और समझाता हूँ मैं आपको डिटेल से थोड़ा, जब ऐसी हार्ट लाइन हो तो रोग के दृष्टिकोण से तो मैंने बताया कि रोग आपको कफ से रिलेटेड रोग, सांस से रिलेटेड रोग, और साथ ही साथ में ऐसे लोगों को उससे भी बचना चाहिए, जब मंगल के साथ जोड़ता हूँ ना इसको, कोलेस्ट्रॉल या बीपी जैसी चीज़ों से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं इनसे तो आपको तकलीफ आएंगी ही आएंगी, रोग का एक हो गया दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण सुनिए, ऐसी हार्ट लाइन जब होती है, जब ब्रांचेज बहुत सारी नीचे जाने लगती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। ओवर सेंसिटिव मतलब क्या, इनको किसी ने कुछ बोल दिया, भले ही बोलने वाला व्यक्ति का इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन उनका शब्द इनको लग गया और फिर ये जो है बहुत ज़्यादा हर्ट अपने आप को फील करने लग गए, या फिर उस व्यक्ति के बारे में फिर नेगेटिव माइंडेड हो गए, ऐसा होता है इनको। छोटी सी बातें कब इनको लग जाए इनको कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव मत होइए, चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में सोचने का कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को दूसरों को समझने के लिए, ठीक है? आप बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हो कि नहीं ये बंदा मेरे लिए ऐसा सोचा, ऐसा नहीं है, हो सकता है आप ज़्यादा सोच लिए, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये भी आपका बहुत बड़ा वीकनेस है, आपने पूछा है ना इसलिए बता रहा हूँ, ये भी आपका वीकनेस है,
इस पर आपको बहुत गौर करना चाहिए, और ख़ास करके तब ये दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपका दाम्पत्य ठीक ठाक बीतेगा, गुलाई बढ़िया है, लेकिन फिर भी ये केवल इसके इस रेखा के कारण से आपके जीवन में, मैंने कहा ना, खट्टा मीठा उतार चढ़ाव खटर पटर लगेगी, ये खटर पटर कराएगी, ऊपर से मांगलिक भी। तो ये आपको क्रोध एग्रेशन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, दाम्पत्य में आप कभी कभी थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ में। इसके कारण से आपको लगेगा कि ये मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे इमोशंस का कदर नहीं कर रहे हैं, ऐसा फील कर सकते हो, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। ये केवल आपकी मन में एक सोच बन जाएगी, आप अपने आप से ही सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, बस यही कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम की जड़ केवल आपकी सोच है, आप उसको अगर सही से सोचते हैं, अपना समय देते हैं, तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। ये एक स्थिति यहाँ पर थी। दूसरी स्थिति माइंड लाइन पे आते हैं। देखिए, माइंड लाइन की स्थिति ठीक ठाक है, माइंड लाइन लंबाई प्रॉपर तरीके से सूर्य के नीचे तक है तो उत्तम मानी जाती है। सूर्य के नीचे तक माइंड लाइन हो तो उत्तम है, और अगर पूरी हो तो सर्वोत्तम है। ठीक है, तो उत्तम स्थिति में माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बीच में कुछ एज में बता देता हूँ जहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक द्वीप बना है, ये माइंड लाइन पर द्वीप बनना ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। अब ये क्या स्थिति को जनरेट करेगी, ये आप जब लगभग 28 से लेके 28 पकड़ लो, 28 से लेके 25 और 27 ही पकड़िए आप, 27 से लेके 5 और हो गया 32 तक, 27 से लेके 32, 22 से 32 का जो पीरियड है, इसमें आपने बहुत स्ट्रेस झेला होगा, बहुत मेंटल पजल रहे होगे आप किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, आपका फोकस नहीं रहा होगा, विजन नहीं रहा होगा, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, अभी जैसे कि ये ऐसा भी चीज़ को बताता है कि आदमी मेरिट तो है, समटाइम्स किसी और की तरफ में ध्यान चले जाना, अट्रैक्शन किसी और पे आ जाना, ये उस चीज़ को भी बताता है। दूसरा चीज़, अगर ये चीज़ नहीं है तो जीवन में बहुत प्रकार की तकलीफ़ों को बताता है। बहुत बार आदमी किसी, ये जैसे आपके साथ में मुझे क्या ऐसा लग रहा है, चांसेस मैं बताता हूँ, आपके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी इमोशन लाइन ख़राब है, ये आपका लूप होल है। ठीक है, और ये आपका प्रॉब्लम है। ये हीट करना है तो कहाँ हीट करेगा, लूप होल पे हीट करेगा। तो यानी इमोशनली आप बहुत परेशान रहे होंगे, इमोशनली आपने आपको अनबैलेंस फील किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी झेलनी पड़ी होंगी जहाँ से इमोशनली बार बार हर्ट हुए होंगे आप, और डिपेंडेंट के कारण से भी, माता पिता, भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी होंगे उनके कारण से भी आपको इमोशनल चिंता सताई होगी। ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, ठीक है, या पति पत्नी के बीच में कुछ इमोशनल चीज़ें ऐसी हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण से आप स्ट्रेस में रहे होंगे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो 32 तक की स्थिति अच्छी नहीं, उसके बाद में चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। 32-33 के बाद से आपका माइंड लाइन ओके कंडीशन में हो रहा है, आगे फिर उतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं दिखता, माइंड लाइन ओके स्थिति में है। ठीक है, अब देखिए कुछ लाइफ लाइन में कुछ आपने इम्पॉर्टेंट की मोमेंट पूछा है वो मैं बता दूँ आपको। देखिए, एक फ़ोटो आपने अच्छा भेजा है, थोड़ा क्लोज में उस पर चले जाते हैं, उस पर ये इस पर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी समझने समझाने दोनों में। देखिए, ये आपको एक यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन दिख रहा है ना, ये प्रोग्रेस लाइन का एज आपका आ रहा है 25 से 26 साल के इन बिटवीन, यानी 25-26 के एज में कुछ आपको एक कुछ ओहदा आपने हासिल किया होगा, जीवन में प्रोग्रेस किया होगा, नौकरी लगी होगी या कुछ ऐसा कुछ भी अच्छा आपको गेन हुआ होगा लाइफ में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आप जाके देखते हैं आगे, देखिए उसके बाद में ये 2 साल और ये 2 साल, यानी 4 साल, आने वाला 4-5 साल 25 से लेके 30 जो मैंने बता रहा हूँ आपको, उस पे हाथ पे भी मैं बता रहा था 32 तक का पीरियड, इसमें 25 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 25-26 से, और उसमें मैं 27-28 बोल रहा था, तो मोटा मोटी वही पकड़ लीजिए आप, 25-26 यानी 26 साल के बाद से आपका 32 अभी जो करेंट एज है वहाँ तक आपको थोड़ी सी परेशानी अभी आप फील कर रहे होगे, या जस्ट परेशानी से निकले होगे आप, ऐसी स्थिति। इससे पहले कि जो 4-5 साल आपने बहुत स्ट्रेस झेला होगा, मेंटली आप बहुत परेशान रहे होंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। अब वो मेंटली स्ट्रेस जो है ना, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही साथ में, अब देखो यहाँ पर समझाता हूँ, ये आपका स्ट्रेस था, ठीक है, अब ये आपका स्ट्रेस यहाँ पर भी है। ये क्या है, ये जो मानसिक परेशानी जो है, ये मेंटल स्ट्रेस है, ये आपका फिजिकल स्ट्रेस है। ठीक है, ये जो मेंटल स्ट्रेस आपको आया है, हो सकता है शारीरिक कुछ बीमारी चली होगी आपको, कोई ना कोई रोग के कारण से आप परेशान रहेंगे, कुछ ना कुछ रोग सताया होगा आपको इस उम्र में, या फिर
कोई पारिवारिक मसला, क्योंकि जीवन रेखा आपके परिवार को बताती है, परिवार कुटुंब को बताती है, आपके हेल्थ को बताती है, ठीक है, और आपके संतान को बताती है। तो या तो आप संतान को लेकर चिंतित हुए होंगे, संतान प्लानिंग के लिए, संतान के लिए कुछ सोच रहे हो, या फिर कुछ प्लानिंग के कारण से चिंता में रहे होगे, स्ट्रेस में रहे होगे, या फिर पारिवारिक सदस्यों के कारण से चिंता में रहे होगे, या अपने हेल्थ के कारण से चिंता में रहे होगे। तो ये यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है जो ये मैच हो रहा है इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको ये जब आप 31-32 के इन बिटवीन जब पहुँचे होंगे तो आपको एक प्रोग्रेस मिला होगा, ये प्रोग्रेस अच्छा प्रोग्रेस मिला होगा आपको, एक बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 31 के आसपास, यानी कि 31-32 के इन बिटवीन पकड़ लो आप, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, उस एज में आपको एक प्रोग्रेस मिला होगा। और उसी प्रोग्रेस के जस्ट बिल्कुल पैरेलल एक परेशानी भी आई होगी, एक परेशानी भी आई और प्रोग्रेस भी मिला, एक परेशानी आई और प्रोग्रेस भी मिला, ऐसी स्थिति दोनों पैरेलल घट रही है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे, ये देखिए कुछ बहुत छोटी छोटी लकीरें हैं, लेकिन है तो ज़रूर यहाँ पे लकीरें, देखिए ये एक और प्रोग्रेस लाइन आपका बन रहा है, ये आ रहा है 36 के एज में, 36 के एज में भी आपको एक अच्छा प्रोग्रेस लाइन मिलेगा, 36 के बाद में फिर 40 अराउंड मिलेगा, 36 हाँ लगभग 40 के आसपास में मिलेगा, 39-40 के आसपास में एक प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्रेस लाइनें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो एज है ना, मतलब 39-40 वाला, ये अच्छा एक बड़ा प्रोग्रेस होगा। उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर प्रोग्रेस है आपको, तो चीज़ें अच्छी हैं, नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, प्रोग्रेस लाइन काफ़ी हैं आपकी जीवन रेखा में, काफ़ी प्रोग्रेस लाइन है जो आपको बीच बीच में प्रोग्रेस बूस्ट करती रहेंगी। और ये आपको ट्रैवल का, भरपूर ट्रैवल करोगे जीवन में आप, भरपूर बहुत जगह घूमोगे, देश विदेश बहुत जगह आपका भ्रमण होगा, ये उसको भी बताता है, ट्रैवल लाइन है, ठीक है। बाकी देखिए, आपकी भाग्य रेखा में भी कुछ मैं बातें बता दूँ जो कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु दिखता है। ये देखो, ये एक लाइन इसमें गया, एक बड़ा बहुत बड़ा आपको यहाँ पे कहा जाए एक प्रोग्रेस लाइन दिखा, ये एज आ रहा है 25-26 के राउंड का एज ही आ रहा है, यहाँ पर एक प्रोग्रेस मिला। फिर यहाँ से आप और आगे जाते हैं तो ये आएगा 30 और ये आएगा 34, 25, इसको बड़ा कर लिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं समझ में आएगा, 25 और ये 5 30 और लगभग 33। देखिए अभी जो 33 का यानी नेक्स्ट ईयर, आपको कुछ धन का नुकसान हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ों में खर्च की स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, छोटी मोटी खर्च है, लेकिन अभी होगी ये खर्च होगी, यहाँ पे कुछ नुकसान के योग बन रहे हैं आपको 33 में, ठीक है। और ये जो 33 का एज है ना, ये मंगल तक जाके एक रेखा इसको आके भाग्य रेखा को काटती हुई अभी ये जीवन रेखा में धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत पतली लकीर है, ये लकीर ऐसा बन रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है इसी को देखने के बाद में और ये जो प्रोग्रेस लाइन है उसको देखने के बाद में मुझे एक इंडिकेशन यहाँ से मिला था कि आपका जो संतान से रिलेटेड आपने प्रश्न किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 33वां साल में आपको माइंड लाइन ये वाली लकीर ये इंडिकेट कर रही भाग्य रेखा में, और यहाँ पे 32 आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप 32 के हो ना, तो इसी नेक्स्ट ईयर ये आपको बच्चे के योग बन रहे हैं, और जो भी बच्चा होगा आपको ये सीजीरियन होने वाला है, ऐसा योग बन रहा है, कुछ सर्जरी के बाद ऐसा बच्चा हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। एक इंडिकेशन यहाँ मुझे मिला था जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ सर्जरी को ये बता रहा है और उसमें भी प्रॉफिट को भी बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती हैं, एक्सीडेंट के साथ किसी का प्रॉफिट होगा नहीं, सर्जरी के साथ में प्रॉफिट, यही एक चांसेस हैं जो आपको हो सकते हैं, तो एक चांसेस यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं और बच्चा तो होगा इसमें, नो डाउट है ना। बाकी देखो, 33 के बाद में मैं कहा कि 35 के एज में आपको प्रोग्रेस है, जो जीवन रेखा में बताया यहाँ पे भी वो प्रोग्रेस यहाँ दिख रहा है आपको, 35 की लाइफ में क्या प्रोग्रेस है अच्छा। 35 के बाद में अब जो स्थिति बनेगी आपकी 38 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 38 से लेके 40 तक का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में थोड़ा सा पैसे को लेकर आपको चिंता हो सकती है, पैसे को लेकर चिंता मतलब हो सकता है आपको जॉब से रिलेटेड या अपने जो भी आपका जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 38 से 40 में समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, कारण है इसके पीछे, मैं जब कारण पर देख रहा था तो मैंने ये पाया,
देखिए आपका, आपने ये हाथ का फ़ोटो भेजा था मुझे, आपके नहीं राइट हैंड का। देखिए इसमें क्या है, आपकी माइंड लाइन यहाँ पे गई एक, फिर यहाँ से एक शाखा हुई, फिर ये दूसरी माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसको देखें तो ये आ गया 42 साल और ये आ गया लगभग 35 साल। 35 के बाद में आपके जो सोच है उसमें परिवर्तन हो रहा है और ये एक्टिवेट हो रहा है लगभग आपका 38-40 के बाद में। तो कहने का मतलब 35 से तो चीज़ें सपोर्ट मिल रही है नीचे वाली माइंड लाइन का, ऊपर वाली माइंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ हो रहा है, ये जो 3 साल का पीरियड है जो इन दो एक दूसरे को यहाँ पे जोड़ रहा है ये पीरियड, ठीक है। तो यह ध्यान रखना 38 से 40 का पीरियड यहाँ पे बिखराव की स्थिति बन रही है, एक रेखा इधर बिखर रही है, एक रेखा इधर बिखर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि चीज़ें ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी या नौकरी बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको परेशानी ज़रूर आएगी कोई ना कोई प्रकार से धन से रिलेटेड। उस समय खर्च करने से, इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। 38 से 40 में इन्वेस्टमेंट के लिए भी मत सोचिए, कोई बड़ा असेट्स खरीदना है तो उसको भी रोक दीजिए। अगर आपको लगता है वो असेट्स आप पूरी तरीके से खरीद सकते हैं, आपको फाइनेंशियली उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, तो करिए, ठीक है। अब ऐसे पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव में भी लेंगे अगर तो खर्च नहीं करना है, लेकिन अगर पॉजिटिव में लेंगे तो खर्च अगर जानबूझ के आपको लगता है कि अभी मुझे करने से बाद में प्रॉफिट है तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि खर्च तो आपकी होगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको खर्च होगा, 100% खर्च होगा, ठीक है। तो आप देख उस हिसाब से अपने आप को प्लानिंग कर लीजिएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि मेजर रिस्क मत लीजिएगा तो ज़्यादा सही है, ठीक है। देखिए और कुछ बातें करते हैं आपके, तो यहाँ पे जीवन रेखा में जो बताया मैंने 38 से 40 तक का पीरियड भाग्य रेखा में, वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरे हाथ में टूटा हुआ रेखा, उसके बाद में चीज़ें ऐसा नहीं है कि ख़राब हैं, कुछ नेगेटिव साइन में नहीं दिख रहा है तो कुछ पॉजिटिव साइन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एक सावधानी के लिए मैं बता दूँ, 42, 44, 46, 50, ये जो 50 साल का जो एज आएगा आपको, यहाँ पे भाग्य रेखा की जो स्थिति है, जहाँ पे उसका जो रास्ता है उस पर एक बहुत बड़ा कट है, ठीक है। तो 50 नहीं कहा जाएगा, एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, 47 का एज पकड़िएगा, ठीक है, 42, 44, 46, 47, 47 के एज पकड़िएगा। 47 के एज में आपको एक मेजर कुछ नुकसान हो सकता है, धन का मेजर एक कट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, एक मोटी रेखा ने आपको यहाँ पे आके काटा है। तो थोड़ा ध्यान रखिए 47 के आसपास में, उसके बाद में कोई मेजर कट आपके भाग्य रेखा में मुझे दिखता नहीं है, और भाग्य रेखा भी नहीं दिखती, कहने का मतलब, ठीक है। तो बाधक रेखा भी नहीं है तो सहायक रेखा भी नहीं, इस हाथ के हिसाब से। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके भाग्य स्थिति अब नहीं है, आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो स्थिति आप यहाँ पे बना के रखोगे, वही यथावत स्थिति आपकी वैसी चलेगी, भाग्य का साथ अब आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने कर्म के हिसाब से जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका फल मिलेगा, ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। इस तरीके से उसको समझना, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में पैसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। आपके राइट हैंड में भाग्य रेखा अच्छी है तो उसका सपोर्ट मिलेगा, हाँ आपको थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये स्थिति हुई, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हाथ में जो एक बहुत अच्छी स्थिति, जो राजयोग वाली स्थिति ये हुई। हमेशा बोलता हूँ मैं जिस चीज़ को, कभी भी इन तीन उंगलियों का आधार एक सीमा पर हो, एक सीध पर हो, जैसे देख पा रहे हैं आप, एक सीध पर है तीनों की उंगली का आधार, ये नीचे है, ये अपने आप में राजयोग है। ऐसे लोग जीवन में सक्सेस करते ही करते हैं, कभी गरीबी नहीं देखेंगे, गारंटी है। ऐसे लोगों के पास धन होगा ही होगा, ये राजयोग है अपने आप में, बहुत बहुत बड़ा राजयोग है, सफलता को बताता है, सुंदर जीवन, सफल जीवन को बताता है। तो ये राजयोग आपके में बना हुआ है, आपका जीवन अच्छा ही बीतेगा, सब प्रकार का सुख आपको मिलेगा, निसंदेह। ये कभी भी तीन उंगली जब बराबर होगी, और छोटी उंगली बहुत ज़्यादा गहराई पर डाउन होती है, संतान से संबंधित पीड़ा देती है, संतान से संबंधित कष्ट होता है, लेकिन संतान होता है, ठीक है। तो संतान होगा ही होगा, ये है कि संतान होने में कुछ दिक्कत या होने के बाद कुछ दिक्कत, ऐसी स्थिति ज़रूर बनेगी। इस पर मैं मीठा मीठा नहीं बोलूँगा आपको, मैं पहले ही आपको इंडिकेट कर दी हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे थोड़ा सावधान रहिए, परहेज करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मेडिकल सुपरविजन में रखिए जब कभी भी आप प्रेगनेंसी पीरियड आता है आपका, ठीक है। बाकी चीज़ें उतनी ख़राब नहीं, ठीक है। तो आपके सारे प्रश्नों को ले लिया मैंने,
ऑलमोस्ट सारी प्रश्नों पर चर्चा कर लिया हमने, और एक बार और आपके प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। कुछ प्रश्न आपके छूटे हों तो आप बाद में फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। आपने बच्चे के बारे में पूछा था, तो बच्चा आपका होगा योग। मुझे लगते हैं कि नेक्स्ट ईयर ही आपको बहुत अच्छा योग बन रहा है, और जो भी बच्चा होगा वो एक तकलीफ़ के बाद होगा, या मुझे लगता है कि आजकल के जो मॉडर्न ज़माने में सीजीरियन यानी सर्जरी के बाद होगा, और आपके हाथ में एक योग बन रहा है जो ये सर्जरी कराएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में एक प्रोग्रेस लाइन भी यहीं पे बन रही है, सर्जरी के बाद में ये आपको जो आपका विश फुलफिलमेंट वाला स्थिति बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर आपको चांसेस हैं। थोड़ा मेडिकल सुपरविजन में रखिए, दवाई का सहारा लीजिए, यहाँ पे गर्भाशय कमज़ोर दिखता है, ठीक है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ सुगमता से तो बीतेगा, जीवन कट जाएगा, लेकिन उठा पटक वाली स्थिति बनी रहेगी। अपना थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होने से परहेज करिए, अपने पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा समय आप भी लीजिए, ताकि वो जो बोल रहा है उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने से उस इंटेंशन को नाम मत दीजिए। इसी के कारण से आप जो है स्थिति ख़राब हो रही है, लड़ाई झगड़ा, एक फालतू का वाद विवाद, या फिर बोलो कि एक चिड़चिड़ापन आपके दाम्पत्य को सता सकता है, ठीक है। हेल्थ के लिए आपने कहा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हाथ नहीं है आपकी, ये हेल्थ वाली लकीर भी टूट टूट के चल रही है। आप देखेंगे अगर ये लकीर जो है टूट टूट के चल रही है, ठीक है, ऊपर से आपकी जीवन रेखा में कुछ द्वीप ज़्यादा बन रहे हैं, और मंगल ऑलरेडी दबा हुआ है, हार्ट लाइन की स्थिति ऐसी है, तो सारे हेल्थ को जो बताने वाले फैक्टर हैं ना वो थोड़ा कमज़ोर हैं। तो अगर आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा परहेज करके रखें, ठंडी से बचें, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह चीज़ों से, बीपी जैसे चीज़ों से बचें, और साथ में जो मैंने लेडीज़ हार्मोनल वगैरह जो प्रॉब्लम बताया वो आपको परहेज तो करना ही करना है। करियर पाथ के बारे में आपने पूछा था, कौन सा सूट करेगा, तो आप अपने सूटेबल पाथ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बने रहिए। 35 के बाद में आपके जीवन में स्थिति अच्छी होगी, ये 100% है, क्योंकि माइंड लाइन आपके राइट हैंड में बदल रहा है, शिफ्ट कर रहा है, और माइंड लाइन वो वाली जब शिफ्ट हो रहा है उसके बाद से माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी है। तो 35 के बाद में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोई सावधानी की बात आपने पूछी है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सावधानी मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी सब चीज़ बता दी है, जो भी मुझे दिखा ना सारा चीज़ तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता ही दिया है। की मोमेंट भी बता दिया, कौन कौन सा मोमेंट आपके लिए अच्छा होगा, तो एक बार फिर रिपीट कर दूँ, 35 में प्रोग्रेस मिलेगा, और 35 में आपका जीवन शिफ्ट करेगा, और जो भी शिफ्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 3 साल का पीरियड है, थोड़ा डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स से बचें, अपने वाणी पे संयम रखें, वाद विवाद होने की स्थिति बने तो उसको टालने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी ओवरऑल अच्छा हाथ है, राजयोग बना हुआ है, राजयोग का फल आपको मिलेगा, अच्छा जीवन बीतेगा आपका। आपका मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।